नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं शेख जूही। करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मौसम केंद्र ने राजस्थान में 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर शामिल है। यहाँ अक्षय बिजली गिरने के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी मानसून के सक्रिय रहने के कारण जारी की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारो को जयपुर की एक अदालत ने आज 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पेपर लीक मामलों की जांच कर रहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सोमवार को कटारो को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। जेएसओजी ने सीजीएम से 10 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने कटारो को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार सुबह अचानक जयपुर सचिवालय का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान कई आईएएस अधिकारी अपने कक्ष में नहीं मिले। सीएम शर्मा ने इन अधिकारियों के बारे में जानकारी ली है और सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल से एक रिपोर्ट देने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि कई अधिकारी और कर्मचारी आज समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे, तभी मुख्यमंत्री अचानक दौरे पर पहुंच गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को ऐसी बारिश हुई कि बांध टूट गया और कब्रिस्तान में पानी भर गया। पानी भरने से कुछ लाशें कब्र से बाहर आ गई और तैरने लगी। ये नजारा देखते ही हर कोई दंग रह गया। आखिरकार लोगों को नाले में उतरकर शवों को रेस्क्यू करना पड़ा। रेस्क्यू करने के बाद लाशों को वापस कब्र खोदकर दफना दिया गया। विपक्ष अक्सर ही भजनलाल सरकार से सवाल करता है, लेकिन अब भजनलाल शर्मा के अपने विधायक ने ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। लालसोट से बीजेपी के विधायक रामविलास मीणा का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी सरकार को घेर रहे हैं। मीणा बोल रहे हैं, मंत्रियों से मिलते हैं कि पोस्टिंग कर दो, ऑफिस खाली पड़े हैं, जेएन नहीं है, ईएन नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आगे विधायक यूडीएच मंत्री जावर सिंह खरा पर निशाना साधते हुए बोले, खरा जी के पास चौथी दफा आया हूँ पर इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसा हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, चोर है सर। कोटा में ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत नोनेरा बैराज से बिसलपुर नहर बनाने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। मदनपुरा और कोटरादीप सिंह गांव के किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये जमीन उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है। इस प्रोजेक्ट के तहत नोनेरा बैराज से मेज नदी तक नहर और फीडर बनाया जाना है। नहर का डिजाइन तैयार हो चुका है और ड्रेन सर्वे के बाद फाइल जयपुर भेज दी जाएगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मदनपुरा और कोटरादीप सिंह गांव की जमीन अधिग्रहित की जानी है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राय मांगी है। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो दोनों दलों के बीच गठबंधन भी हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मैं लंबे समय से उनसे मिलने की योजना बना रहा था, ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे। हम पूरी ताकत सरकार चलाएंगे और भविष्य में भी चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र में विपक्ष ने बीजेपी विधायक नितेश राणे के भड़काऊ भाषण को लेकर पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा राज्य विधानसभा चुनाव से पहले दंगे कराना चाहती है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त विवेक पसनालाकर से मुलाकात की और भड़काऊ बयान देने के लिए कंकावली के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को 2 पत्र लिखे थे, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि मुझे महिला और बाल विकास मंत्री की तरफ से जवाब मिला, लेकिन मैंने उनके जवाब का भी जवाब देकर प्रधानमंत्री को अवगत कराया। जब चुनाव से पहले जल्दबाजी में न्याय संहिता विधेयक पारित किया गया था, तब मैंने कहा था कि इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए, इसमें राज्यों से सलाह नहीं ली गई। ममता ने आगे कहा कि मैंने कई बार इसका विरोध किया था कि इस बारे में राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई, इसमें राज्यसभा विपक्ष सभी दलों से चर्चा करके पारित करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।